यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर सख्त नियम बनाकर बैन लगा सकती है। सरकार को आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से होने वाले अवैध कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। लखनऊ के अजरतगंज थाने में इसको लेकर FIR दर्ज हुई है। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर FIR हुई। 9 कंपनी संस्था के खिलाफ FIR हुई है। हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के नाम शामिल है। IPC की धारा 120 बी, 153 ए, 298 और 374, इसके अलावा 420, 467, 468, 471, 505 के तहत केस दर्ज हुआ। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मजहब के नाम पर आर्थिक छल और ऐसे प्रोडक्ट बंद आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। विशेष वर्ग को प्रभावित करने का फरेब भी है और बिना मानक के दिए जा रहे प्रमाण पत्र, इस तरह के तमाम आरोप है। अनुचित लाभ से राष्ट्र विरोधी तत्वों को फायदा भी मिल रहा है। शैलेंद्र कुमार के मुताबिक शाकाहारी प्रोडक्ट्स जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद आदि की बिक्री के लिए हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जाहिर है कि एक समुदाय विशेष और उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। साथ ही एक वर्ग विशेष के जरिए प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल न करें जिसे हलाल प्रमाण पत्र न दिया गया हो। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और उस जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता, ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है। मुस्लिम देशों की शर्त है कि उन्हें हलाल गोश्त चाहिए, तो अगर हम चाहते हैं कि हलाल का जो सर्टिफिकेट है वो, तो जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक तंजीमें हैं मुस्लिम देश उन्हीं से लेते हैं, तो अगर आप इसको बैन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो लाखों करोड़ का भारत को फायदा हो रहा है उसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। FIR के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज यानी वैध। हलाल बिजनेस कई तरह के हो सकते हैं। दरअसल 2022 के अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में वकील विभोर आनंद की ओर से दायर याचिका में हलाल उत्पादों और हलाल प्रमाणीकरण पर बैन लगाने की मांग की गई थी। दावा किया गया था कि इन उत्पादों का उपयोग करने वाली 15% आबादी के लिए 85% नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हार 24।